मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विजयदशमी के अवसर पर परंपरागत रूप से गोरखनाथ मंदिर से निकलने वाली शोभा यात्रा कड़ी सुरक्षा के बीच रामलीला मैदान मानसरोवर मंदिर तक निकाली गई। आपको बता दें कि यह शोभा यात्रा हर वर्ष विजयदशमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर से मानसरोवर तक निकाली जाती है, जो कि इस वर्ष भी धूमधाम से निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठाधीश्वर की भूमिका में नजर आए। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शाम 4 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक विशेष रथ पर सवार हुए और कड़ी सुरक्षा के बीच गोरखनाथ मंदिर से बाहर निकले, जिसमें गोरखनाथ संस्कृत विद्यालय के छात्र शंख बजाते हुए उनका अभिवादन कर रहे थे। पूरे रास्ते में नागरिकों के द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इसके साथ ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का माल्यार्पण कर स्वागत किया। वहीं शोभा यात्रा मानसरोवर मंदिर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान शिव का रुद्राभिषेक और पूजन अर्चन किया। इसके बाद रामलीला मैदान पहुंचकर भगवान राम और सीता का आरती उतार कर उनको तिलक लगाकर राज्याभिषेक किए। इस अवसर पर नागरिकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विजयदशमी के पावन पर्व पर पूरे प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। आप सब जिस उत्साह व उमंग के साथ इस पावन पर्व के साथ जुड़े हुए हैं, हजारों वर्षों की स्मृतियों को हम सब इसके साथ समेट कर के अपने जीवन के भावी कार्ययोजना को मोड़ दे रहे हैं। गोरखपुर के रामलीला मैदान के ऐतिहासिक कार्यक्रम में सभी लोगों को स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा, आज पूरा देश और पूरी दुनिया में जहां कहीं भी सनातन धर्म स्वावलंबी है निवास कर रहा होगा, वह विजयदशमी के आयोजन को पूरे उत्साह के साथ आयोजित करते हुए हजारों वर्ष पूर्व प्रभु श्री राम की अधर्म सत्य व विजय के फलस्वरूप इस धराधाम पर विजयदशमी पर रावण पर विजय पाया और राम राज की नींव रखी, उसको हम सब पूरा कर रहे हैं। पूरे देश के गांव या शहर, गली हो या पूरा मोहल्ला, अमीर हो गरीब हो, सभी मना रहे हैं और सभी का भगवान राम के प्रति आस्था है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य राम मंदिर बन रहा है, जिसमें भगवान राम जल्द ही विराजमान होंगे, जिसके लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं।
मंदिर से पूजन करके बस प्रस्थान करने वाले हैं और बस कुछ ही क्षण में माता से। वाराणसी की साहिबली का आगमन महाराज जी का आगमन उसी क्षण में महाराज जी प्रभु श्री राम का माला पहनाएंगे सभी लोग मिलकर के। अशोक भैया आप भी आ जाइए, अनूप भैया महाराज जी को समिति की तरफ से एक स्मृति चिन्ह, आप लोग पीछे हो जाइए भैया, तो पीछे हो जाइए। समिति रामलीला मैदान पर पहुंच आए हैं। पिछले 106 वर्षों से अनवर रामलीला का मंचन कराती आ रही है और वो निश्चित रूप से हमेशा आशीर्वाद मिला है और आगे भी मिलेगा। आप लोग श्री हमारे अध्यक्ष श्री ज्योतिर्मन दास जी, अशोक जालान जी, श्री जो है निमाई जी जो वृंदावन से रामलीला कराने आए हैं और यहाँ पर आए हुए सभी संतों संतों को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, उनका वंदन करते हैं। आज बोले सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, गंगा माता की, गंगा माता की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, बाबा गोरक्षनाथ की, बाबा गोरक्षनाथ की, हर हर महादेव। विजयादशमी के पावन पर्व पर मैं पूरे प्रदेश वासियों को विजयादशमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सब जिस उत्साह और उमंग के साथ इस पर्व के साथ जुड़े हुए हैं, हजारों वर्षों की इस स्मृतियों को हम सब इसके साथ समेट करके अपने जीवन की भावी कार्य योजना को मूर्त रूप दे रहे हैं। गोरखपुर के रामलीला मैदान के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे सभी संतजन जिनमें काशी से पधारे हैं महामंडलेश्वर से महंत संतोष दास जी महाराज, सतवा बाबा, कालीबाड़ी राजघाट के श्री महंत रविंद्र दास जी महाराज,
हमारे सभी संत जन इस रामलला समिति के अध्यक्ष श्री रेवती रमण दास जी, महामंत्री पुष्पदंत जैन जी, कोषाध्यक्ष मनीष अग्रवाल जी, सहमंत्री राजीव रंजन अग्रवाल जी, दीपक अग्रवाल जी, अनूप सर्राफ जी आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, पूर्व महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, राकेश श्रीवास्तव जी और भारी संख्या में आज के इस राष्ट्रतिलक कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए सभी श्रद्धालु जन और उपस्थित भाइयों बहनों, आज पूरा देश और पूरी दुनिया में जहां कहीं भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी निवास कर रहा होगा, वह विजयादशमी के आयोजन को पूरे उत्साह और उमंग के साथ आयोजित करते हुए हजारों वर्ष पूर्व प्रभु श्री राम की अधर्म, असत्य और अन्याय पर विजय के फलस्वरूप उन्होंने इस धराधाम पर जिस राम राज्य की नींव रखी थी उसका स्मरण करते हुए उन मार्गों को अंगीकार करने के लिए संकल्पित हो रहा है। भाइयों बहनों, पूरे देश में गांव हो या शहर, गली हो या कोई बड़ा मोहल्ला, अमीर हो या गरीब, तौर तरीके अलग अलग हो सकते हैं, रंग रूप अलग अलग हो सकते हैं, तैयारियां और अन्य प्रकार के माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भाव और भंगिमा सबकी एक ही है कि अपने प्रभु श्री राम के प्रति अपनी आस्था को मैं व्यक्त कर सकूं और सनातन धर्म को इसके माध्यम से पुष्ट कर सकूं, मजबूत कर सकूं। ऐसा नहीं कि केवल त्रेता युग में ही रावण आया था, हर कालखंड में एक साथ अगर दैवीय शक्तियां चलती हैं तो दूसरे तरफ दूसरी ओर राक्षसी प्रवृत्तियां भी साथ साथ चलती भी दिखाई देती हैं। लेकिन जब सकारात्मक ताकतें मजबूत होकर के अपने पथ का अनुसरण करते हुए, अपनी एकता का मार्ग अनुसरण करते हुए समाज और राष्ट्र के हित में कार्य करती है, तो धर्म सत्य और न्याय सदैव विजयी होता है। लेकिन जब भी इन शक्तियों में बिखराव होता है, विभाजन होता है, सकारात्मकता कम होती है, नकारात्मकता बढ़ती है, तो राक्षसी प्रवृत्तियां हावी होती हुई दिखाई देती हैं, दुष्प्रवृत्ति
व्यक्ति के रूप में, वो किसी भी रूप में हो सकता है, वो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे, वो आतंकवाद के रूप में हो सकता है, नक्सलवाद के रूप में हो सकता है, अलगाववाद के रूप में हो सकता है, उग्रवाद के रूप में हो सकता है, माफियावाद के रूप में हो सकता है, आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से हो सकता है, अनावश्यक समाज में अराजकता पैदा करने की किसी भी दुष्प्रवृत्ति के रूप में हो सकता है। और यह हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सकारात्मकता को ध्यान में रख करके हर कालखंड में कभी इस कार्य को भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद ने किया था, नरसिंह के अवतार के रूप में भगवान विष्णु को स्वयं आना पड़ा था, कभी देवासुर संग्राम में इस कार्य को करने के लिए स्वयं विष्णु को आना पड़ा था, अलग अलग भगवान विष्णु के अवतार तो इस बात के साक्षी हैं, कभी स्वयं प्रभु राम के रूप में, कभी प्रभु कृष्ण के रूप में, कभी विश्व में मैत्री और शांति की स्थापना के लिए, करुणा के लिए बुद्ध के रूप में, ये हर कालखंड में यह परंपरा चलती रही है और हर युग इसके साथ ही विस्तार पाता रहा है। ये जीवन से हम अपने राष्ट्रीय जीवन से कर्तव्य को हटा दें तो क्या बचेगा? अकर्मण्यता बचेगी, निकम्मापन बचेगा, कोई परिणाम आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। अगर हम नैतिक मूल्यों को समाज से हटा लें हमारे शास्त्र यही तो कहते हैं, धर्मेण हीना पशु भी समाना, यानी धर्म से हीन मनुष्य तो पशु के समान है, पशु कोई अंतर नहीं महसूस करता, नैतिक अनैतिकता का पक्ष उसके सामने नहीं होता है, लेकिन मनुष्य है, नैतिक और अनैतिक दोनों को जानता है। आपने देखा होगा अभी शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों तक हमने जगत जननी मां भगवती दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की, और नवमी के दिन जिस दिन सिद्धदात्री के रूप में दुर्गा की पूजा होती है उस दिन 9 कुंवारी कन्याओं के पूजन का विधान भी है। समाज नैतिक मूल्यों से बंधा हुआ होना चाहिए, उन कन्याओं को देवी के रूप में हम मान्यता दे करके उनके संरक्षण के बारे में, उनके भावी जीवन को उज्ज्वल बनाने के लिए समाज भी चिंतित हो, केवल एक परिवार की चिंता नहीं, समाज को भी उसके साथ मिलकर के कार्य करना चाहिए, ये इसके प्रति आग्रही बनाने के लिए। अगर समाज से इन सभी व्यवस्थाओं को हम हटा दें तो फिर बचता क्या है? सदाचार को अगर हम हटा दें समाज में दुराचारी पैदा हो जाएंगे, अराजकता फैल जाएगी, गुंडागर्दी चरम पर होगी, व्यभिचार चरम पर होगा, अव्यवस्था और अराजकता का जो तांडव होगा वो एक बार फिर से उस युग की के साक्षात उस युग के सामने ला करके हमें पटक देगा जहां पे अराजकता और चरम पर हुआ करती थी, राक्षसी प्रवृत्तियां हावी हुआ करती थी। और ये हर कालखंड में जब भी सकारात्मक ताकतें कमजोर होंगी, विखंडित होंगी, विभाजित होंगी, ये इसी रूप में देखने को मिलेंगी। और इसीलिए आज जब हम लोग यहां पर राष्ट्रतिलक के इस भव्य कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, एक विरासत का निर्वहन करने के लिए मुझे स्वयं भी यहां आना पड़ा। हर वर्ष आ रहे हैं, पिछले 25 और 30 वर्षों से मैं स्वयं यहां पर पहले पूज्य महाराज जी के साथ में, और पिछले 10 वर्षों से मैं स्वयं ही यहां पर
इस भव्य शोभा यात्रा के साथ आकर के प्रभु श्री राम के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने और राज तिलक के इस भव्य कार्यक्रम के साथ रामलीला के इस मंचन के साथ जुड़ने के लिए हम लोग आते हैं, जिससे समाज प्रेरित हो सके, अपनी विरासत के प्रति, अपने भावी कार्य योजना के प्रति, राम जैसा विशाल और विराट व्यक्तित्व और आदर्श जिस समाज के सामने हो, उस समाज में विकृतियों के लिए कोई स्थान नहीं होनी चाहिए। ये विकृति जाति के नाम पर विभाजन का हो, छुआछूत और अस्पृश्यता के नाम पर विभाजन का हो, या किसी भी प्रकार की अन्य अव्यवस्था और अराजकता का, इसको किसी भी स्थिति में हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। और उन स्थितियों में आज एक बार हम सब यहां पर आए हैं। दूसरा पक्ष है प्रभु श्री राम का, वह जो हमारे सामाजिक जीवन में हम सबको देखने को मिलता है। पारिवारिक जीवन समाज की सबसे छोटी इकाई है। एक परिवार में क्या दायित्व है, भाई का भाई के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति, पुत्र का मां के प्रति, पति का पत्नी के प्रति, शिष्य का गुरु के प्रति, राजा का प्रजा के प्रति क्या दायित्व होने चाहिए? अगर सामाजिक जीवन में आप देखेंगे, जितने भी ये नाते रिश्ते हैं, ये सभी नाते रिश्ते, ये जितने भी हम देखने को मिलते हैं, इन सब का आदर्श भी भगवान राम के आदर्श व्यक्तित्व से हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। और इसीलिए महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम को साक्षात धर्म का स्वरूप कहा, रामो विग्रहवान धर्म। भगवान राम तो साक्षात धर्म के स्वरूप हैं, और धर्म के शाश्वत स्वरूप प्रभु श्री राम का यह यश हजारों वर्षों से सनातन धर्मावलंबी गा करके अपने जीवन में उसको अंगीकार करते हुए अपने जन्म और जीवन को भी धन्य महसूस करता है। कौन सा ऐसा परिवार है जहां पर प्रभु श्री राम का स्मरण जागते सोते, हंसते या रोते, सुख में दुख में न करता हो? हर सनातन धर्मावलंबी करता है। परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम हुआ, अखंड रामायण का पाठ बिठा दिया। परिवार में कोई अन्य कोई सुखद खबर आई, अखंड रामायण का पाठ हो गया। कोई भी कार्यक्रम अखंड रामायण के पाठ से होता है। ये चीजें हम सबको इस बात के लिए प्रेरित करती है कि भाइयों बहनों, जब तक भारत का सनातन धर्मावलंबी प्रभु श्री राम के आदर्श को सामने रख करके अपने जीवन की कार्य योजना को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा, दुनिया की कोई ताकत उसका बाल बांका नहीं कर पाएगी। और प्रभु श्री राम का यह व्यक्तित्व हम सबको हर विषम परिस्थितियों से जूझने की एक नई प्रेरणा देता रहेगा। गोरखनाथ मंदिर गोरखनाथ मंदिर से निकल कर सरोवर मंदिर ये पारंपरिक रूप से जो 9 दिन नवरात्र होते हैं, विजयादशमी के दिन गोरक्षपीठाधीश्वर के जी के नेतृत्व में ये शोभा यात्रा निकलती है। आज हम सबका सौभाग्य कि गोरक्षपीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भी हैं, और उनके नेतृत्व में ये विशाल शोभा यात्रा हर वर्ष की भांति निकल रही है। और इसमें आप उत्साह देख रहे हैं,
केवल गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से बहुत सारे यहाँ पर श्रद्धालु आकर के इस शोभा यात्रा में जाते हैं और ये शोभा यात्रा मानसरोवर पर जाकर के पूजा अर्चना के बाज रामलीला मैदान में भगवान राम के राज तिलक के साथ संपन्न होगी। हमारे सभी अतिथि लोग और धर्मानाथ जी बंधुओं माताओं का हम श्री रामलीला समिति के स्तर से हार्दिक वंदन करते हैं। यह पर पार्टी बहुत दिनों से 106 वर्षों से चली आ रही है। निश्चित रूप से इस बार हम लोगों ने मथुरा वृंदावन से निवाई जी के नेतृत्व में रामलीला का मंचन कराए हैं। आज हम सबका 12वां दिन है और यह रामलीला निश्चित रूप से बहुत अच्छी रामलीला हो रही है। सब लोग बहुत अच्छी भीड़ हो रही है। निश्चित रूप से महाराज जी के नेतृत्व